बालाजी महाराज के भजन कुछ भाव से सुने जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कष्ट आपको भी करना है इस भजन में। क्या कहते फिर से? एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। और ताली भी बजानी। कैसे बजाएंगे बता? कि जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ भजन के बाद देखिए। प्रभु राम कहते हैं कि भक्त हो तो ऐसा हो जैसे थे हनुमान जी, और चीर के सीता दिखाया उसमें थे प्रभु राम। ऐसे भक्त थे प्रभु राम के हनुमान जी कि जब सीना चीरा तो उस सीना में भी प्रभु राम छिपा रखे थे राम सीता। भक्त प्रभु राम जी ने बहुत बहुत कष्ट उठाए। सुनिएगा कैसे सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। और भैया माता अजनी की सकते तो बोल सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। जैसे एक बार सभी कहिए एक बार सारी आशाएं टूटी।
से लेकर ये पवन वेद से लेकर आए संजीवनी, ये पवन वेद से लेकर आए संजीवनी, बचपन को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेद से लेकर आए संजीवनी, ये पवन वेद से लेकर आए संजीवनी। भैया तो बड़े भक्त होते हैं हनुमान जी के, कैसे कर रहे हो? एक बार ताली मार के बोलो क्या? एक बार दौड़ी चली आती हूँ, और जब मन से ही नहीं बुलाओगे तो ये तो भगवान है क्या, इंसान भी नहीं आते। जहाँ भाव कहते हैं, जहाँ भाव है वही भगवान है, और जहाँ भाव नहीं है भगवान तो क्या इंसान भी नहीं आते हैं। बताया कि हनुमान जी ने प्रभु राम के लिए एक ऐसा काम कर दिखलाया जो आज का भक्त तो क्या, किसी भक्त ने आज तक नहीं किया होगा, किसी भक्त ने ऐसा काम नहीं करा। लेकिन कब जब भीषण से वो कहने लगे थे क्या, भीषण जब इसकी शक्ति पर प्रश्न ही आज उठाया, फिर चीर के सीता उसने प्रभु राम का तरस करा, दुनिया से निराली इसकी, रात्रि एक है, कलाकार बहुत है, जहाँ की कलाकार भी है, थोड़ा थोड़ा समय सभी को मिलना चाहिए जी, सबको चाहिए जब बुलाए हैं तो। लास्ट कली में लिखने वाले ने सारे भजन का तोड़ लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। क्या लिख दिया जी, क्या लिखा है? साला सर में भगतों के ये पूरे करे मुराद, साला सर में भगतों के ये पूरे मेहंदीपुर में सोनू, ये मेहंदीपुर में
भजन का लास्ट और आपका साथ होगा साथ भैया। हाँ एक बार तो आगे उठो।